आटे के बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लड्डू की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही टेस्टी बने हैं और बहुत हेल्दी भी हैं। तो सर्दियां आने वाली हैं, ये टेस्टी लड्डू आप बनाकर रख लीजिए तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि ये सर्दी से भी आपको बचाएंगे। इसके अलावा इन लड्डुओं की खास बात यह है कि आप इसको लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, 3 से 4 महीने तक आप स्टोर कर सकते हैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में और आराम से खा सकते हैं। तो आइए फटाफट से देखते हैं इसको बनाना कैसे है। तो आटे के लड्डू बनाने के लिए, या फिर यूं कहें कि आटा ड्राई फ्रूट लड्डू बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी, तो सबसे पहले हमें लगेगा गेहूं का आटा। यहाँ पर लगभग 500 ग्राम यानी कि आधा किलो हमने गेहूं का आटा लिया है, मोटा महीन कैसा भी आप ले सकते हैं। मिठास के लिए यहाँ पर हमने लिया है बूरा, जिसको कि तगार भी बोलते हैं, ये लगभग 700 ग्राम के करीब आपको लेना है। एक गरी का गोला लेंगे जिसको कि हम कद्दूकस कर लेंगे, सूखा नारियल का गोला है। अब हमें चाहिए होंगे काजू और बादाम, तो यहाँ पर 75 ग्राम के करीब हमें लेने हैं काजू। बादाम हम लेंगे 125 ग्राम के करीब, हमने यहाँ पर बादाम यूज किए हैं। ये फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लिया है पॉपी सीड, जिसको कि पोस्ता दाना भी बोलते हैं, लगभग 50 ग्राम के करीब है। ये हमने पिस्ते लिए हैं, पिस्ता हमें लेने हैं लगभग 15 से 20 ग्राम। चिरौंजी हमें चाहिए होगी 50 ग्राम। ये हमने गोंद ली है, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होती है और सर्दी से हमें बचाती है, तो ये हमें 50 ग्राम लेनी है। ये सॉल्ट पाउडर है यानी कि ड्राइड जिंजर पाउडर है, ये हमें 20 ग्राम लेनी है, तो इससे बहुत आटे के लड्डू का टेस्ट अच्छा हो जाता है। घी हम लेंगे, तो जितना हमने आटा लिया है लगभग उतना ही घी का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा मखाने हमें चाहिए होंगे, जो लगभग 30 ग्राम के करीब है। अब आइए शुरुआत करते हैं लड्डू बनाने की। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले आटा भूनना होगा, आप चाहें तो पहले से ड्राई फ्रूट्स भून सकते हैं और उसके बाद आटा भून लें, पर मैं प्रेफर करती हूँ सबसे पहले आटा भूनना और उसके बाद में ड्राई फ्रूट को भूनती हूँ। तो देखिए, मैंने एक भारी तली की कढ़ाई ली है, आप स्टील की कढ़ाई ले सकते हैं, एल्यूमिनियम की ले सकते हैं, लोहे की ले सकते हैं। और मैंने 1 टेबलस्पून घी डाला और आटा डाल दिया, फ्लेम को मैंने मीडियम हाई रखा है और धीरे धीरे करके मैं इसमें घी डालती जा रही हूँ। आप चाहें तो पूरा की पूरा घी एक बार में डाल सकते हैं, यानी कि आपको क्या करना है एक्चुअली फ्रेंड्स, आधा घी आपको आटा भूनने के लिए रख देना है और आधे घी से आपको ड्राई फ्रूट्स भूनने हैं। तो यहाँ पर आधा किलो हमने आटा लिया था, तो लगभग 500 ग्राम के करीब ही घी का इस्तेमाल होगा। आप चाहें तो कम भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, 400 ग्राम घी में भी बना सकते हैं। पर अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनानी है ना, ताकि आप जब भी आटे के लड्डू बनाएं तो अच्छे से बंध जाएं, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, तो आपको घी लगभग सेम क्वांटिटी में लेना होगा, यानी कि आटे जितना ही लेना होगा। तो 500 ग्राम आटा लिया था, तो 500 ग्राम ही हमने घी लिया है। लगातार इसको भूनते जाएंगे और इसको आटे को भूनने में लगभग हमें 20 से 25 मिनट का टाइम लगा। आटा हमारा भूनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसको मैंने धीमी आंच पे भूना है। आपको लो मीडियम फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर इसको भूनना है, ताकि आटा हमारा जले ना। और इस तरह से जब ये ब्राउन होने लगता है ना, बादामी कलर का हो जाता है, उसके बाद में गैस को हम ऑफ कर देंगे। और कैरी ओवर कुकिंग होती है इसमें, यानी कि जब इसको ठंडा करके हम छोड़ देते हैं थोड़ा ठंडा होने के लिए, तो तब भी इसमें कलर आता है। तो ढककर मैंने इसको छोड़ दिया था 15 मिनट के लिए, आप आधे घंटे भी छोड़ सकते हैं, कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए इसका कलर काफ़ी डार्क हो गया है। तो शुरुआत में बिल्कुल कलर इसको देकर ना छोड़ें, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी कलर आता है। तो आटा हमारा भून चुका है, अब आइए एक एक करके ड्राई फ्रूट्स भून लेते हैं। तो कढ़ाई को मैंने साफ करके और इसमें डाल दिया है 1 बड़ा चमचा घी। तो एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स हम भून कर तैयार कर लेंगे, तो आप देखते जाइए। और जिस सीरीज में मैं ड्राई फ्रूट्स को भून रही हूँ, उस तरीके से अगर आप भूनेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो घी को हमने गर्म कर लिया, फ्लेम को हमने लो रखा है, लो मीडियम या लो रखें, और बादाम को सबसे पहले लगातार चलाते हुए भून लीजिए। तो जल्दी जल्दी मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स भूनना सभी को आता है, बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आप धीमी आंच पर भूनें, ताकि आपके ड्राई फ्रूट जले ना। तो बादाम को हमने भूनकर निकाल लिया, लाइट ब्राउन हो चुके थे, निकाल लिया इनको भूनकर। इसी तरह से काजू को भी भूनकर तैयार कर लेंगे। तो काजू में भी कैरी ओवर कुकिंग होती है, यानी कि जब इसको बाहर हम निकाल लेते हैं ना, तो उसके बाद भी इसमें कुकिंग होती है। तो एकदम ब्राउन करके नहीं निकालना है, हल्का सा कलर जैसे ही आएगा वैसे ही हम इसको निकाल लेंगे। कोई भी ड्राई फ्रूट अगर आपका जल जाएगा ना, तो आपके पूरे लड्डू बेकार हो जाएंगे। देखिए पिस्तों को भी इस तरह से थोड़ा सा डालकर कुछ सेकंड भूनेंगे, बहुत ज्यादा इनको भूनने की जरूरत नहीं होती है, बस डाला और लगभग 7 से 8 बार इस तरह से चलाया और बस निकाल लेंगे। तो इस तरह से भुन जाते हैं ना, तो सॉफ्ट भी हो जाते हैं, काटना इनको बहुत आसान होता है। घी को मैंने बढ़ा दिया, तो इस तरह से धीरे धीरे आप बढ़ाते जाएं, अपनी नीड के अनुसार आपको घी बढ़ाते जाना है। इसके बाद में फ्लेम को बिल्कुल हाई कर दीजिए, और जब घी में से बिल्कुल धुआं निकलने लगेगा, इसके बाद में हम इसमें गोंद डालकर भून लेंगे।
तो गोंद जब भी आप भूने तो बिल्कुल हाई फ्लेम कर दें, ताकि जो आपकी गोंद है जब आप डालेंगे ना तो तुरंत पॉपअप होगी, तुरंत से इस तरह से फूटेगी और बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहेगी। अगर धीमी आंच पर भूनेंगे तो क्या होगा, गोंद आपकी कच्ची रह जाएगी। देखिए बहुत अच्छे से भून चुकी है ये, तो इस तरह से गोंद को भी भूनकर हम तैयार कर लेंगे और इसको निकाल लेंगे। तो गोंद हमारी भून चुकी है, इसको भी निकाल लेते हैं बाकी ड्राई फ्रूट्स के साथ। बचा हुआ घी है इसमें ही हम इस तरह से डाल देते हैं यहाँ पर मखाने। तो मखाने क्या करते हैं, सारे के सारे घी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसमें आपको उतना ही घी डालना है जितना की जरूरत हो। तो इसको भी आप इसी तरह से लगातार चलाते हो, भून लीजिए। जब इसमें भी लाइट ब्राउन कलर आ जाएगा हल्के से, आपको ये जब क्रंची लगने लगे तो उसके बाद ही आप इसको निकालिए। तो मखाने को भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, धीमी आंच पर भूनिएगा। तो मखानों को भी हमने भून लिया, अब इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर मखानों को हमने अलग निकाला है, और काजू और बादाम को अलग निकाल लीजिए। और क्या कीजिएगा कि जो हमने यहाँ पर गोंद को भुना था उसको आप अलग बिल्कुल कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने तीनों को मिक्स कर दिया था, पर सारे ड्राई फ्रूट्स को अलग अलग आप भूनकर रेडी कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखिए हमने चिरौंजी डाल दी, और चिरौंजी के साथ ही हमने पोस्तादाना भी डाल दिया। फ़ायदा इससे ये है कि जो पोस्तादाना होता है बहुत ज़्यादा महीन होता है और बहुत जल्दी भी भुनता है। चिरौंजी को भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना होता, यानी कि दोनों का कुकिंग टाइम सेम है। और ये देखिए यहाँ पर सौंठ भी डाल दी। तीनों चीज़ों को एक साथ डालकर इस तरह से हमें एक मिनट तक मिक्स करना है, चलाना है और निकाल लेना है। तो ये फायदा है फ्रेंड्स, इसलिए हमने तीनों चीज़ों को एक संग डाला, क्योंकि तीनों ही चीज़ें बहुत बारीक हैं तो इनको भूनना बहुत मुश्किल होता है, और तीनों का कुकिंग टाइम एक ही था। तो तीनों को हमने भूनकर एक साथ निकाल लिया। इस तरह से हमने ये देखिए सूखा भून लिया है थोड़ा सा नारियल को। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी, एक चम्मच घी डाल दीजिए। वैसे तो नारियल में खुद ही घी होता है तो डालने की जरूरत नहीं है, पर हल्का सा डालेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, अच्छे से ये भुन जाती है। जब ये रेडिश सी थोड़ी लगने लगे भुनते भुनते, हल्का हल्का इस तरह से लगातार चलाते जाएंगे ना, हल्की हल्की ये रेड होती जाएगी। तो धीमी आंच पर ही भुने, क्योंकि गरीबी बहुत जल्दी जलती है, बहुत जल्दी भुनती है। तो देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स को यहाँ पर भून कर तैयार कर लिया है हमने। मखाने हैं ये, इनको भी हमने अलग कर दिया है, और यहाँ पर ये पोस्तादाना है, चिरौंजी है और सौंठ है, और ये देखिए यहाँ पर ये गोंद है, इसको भी मैंने बिल्कुल सेपरेट कर दिया। तो इस तरह से ड्राई फ्रूट्स को आप अलग अलग कर दें। मखाने और ये काजू और बादाम है, और ये पिस्ते हैं। यहाँ पर गरी को हमने भून कर रख लिया। तो सारे ड्राई फ्रूट्स रेडी हैं। तो कुछ ड्राई फ्रूट्स इसमें से ऐसे हैं जिनको कि हमें काटना होगा, तो पिस्तों को काट लीजिए। आप चाहें तो कूट भी सकते हैं, पर काट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस तरह से काट लीजिए, क्योंकि ये जब आपके लड्डुओं पर थोड़े थोड़े दिखेंगे ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, यहाँ पर पिस्ते की क्वांटिटी आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है, थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं, लगभग आप 40 से 50 ग्राम भी कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर काजू और बादाम को हमें थोड़ा थोड़ा कूट लेना है। मिक्सी में हमने नहीं चलाया है, वो इसलिए क्योंकि अगर आप मिक्सी में चलाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएंगे। तो मोटा मोटा हमने इस तरह से कूट लिया, मोटा मोटा ही आपको कूटना है। ये जो यहाँ पर मखाने देख रहे हैं ना, इनको भी हम इसी तरह से इसमें कूट कर तैयार कर लेंगे। तो सभी के घर में इस तरह का मोर्टर एंड पैसिल, यानी कि खल्लड़ मूसर जो भी बोलते हैं, तो वो होता है, तो थोड़ा सा आप इस तरह से कर सकते हैं। इसको हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर गोंद है बहुत बारीक है, तो इसको हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को रेडी कर लेंगे। यहाँ पर देखिए आटा जो हमारा था ठंडा हो चुका था, तो कढ़ाई में से मैंने इसको बड़ी सी परात में निकाल लिया। अब सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें हम एक एक करके मिला देंगे, और साथ ही इसमें बूरा भी डाल देंगे। तो देखिए ड्राई फ्रूट्स इसमें जा चुके हैं। अब आइए ये देखिए बूरा भी इसमें मिला देते हैं। तो सबसे पहले सारी चीज़ों को ड्राई फ्रूट्स के साथ मिक्स कर लेते हैं। तो आटा और ड्राई फ्रूट्स को हमने मिक्स कर लिया। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि आटा और बूरा पहले मिक्स कर लीजिए और बाद में ड्राई फ्रूट्स डाल दें, या फिर सारी चीज़ें एक साथ डाल दें जिस तरीके से मैंने डाली है। तो आपको दोनों हाथों का यूज़ करना है। मैं यहाँ पर आपको वीडियो दिखा रही हूँ, तो मुझसे यहाँ पर नहीं इस तरह से हो पा रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, चलती हूँ दूसरी जगह, और मैंने इसको नीचे रखकर अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब इससे आप इस तरह से लड्डू बना सकते हैं। तो साइज अपने हिसाब से छोटा या बड़ा आप रख सकते हैं। बहुत आसानी के साथ फ्रेंड्स लड्डू बन जाएंगे, अगर आपने आटे का और घी का रेशियो मेरे बताए अनुसार रखा है तो। और अगर आप घी थोड़ा कम डालेंगे, काफी कम डालेंगे, तो आपको लड्डू को बांधते समय प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस केस में आपको घी थोड़ा थोड़ा बढ़ाना होगा, यानी कि 3 से 4 चम्मच आप घी डाल दीजिएगा और आपके लड्डू आराम से बंध जाएंगे। तो इसी तरह से लड्डू बनाते जाइए। तो सारे लड्डू हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं, आटे के बहुत ही टेस्टी लड्डू बने हैं। मैंने यहाँ पर ऊपर से थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट और चिपका दिए हैं, स्पेशली बादाम चिपकाए हैं। आप भी इसी तरह से ड्राई फ्रूट चिपकाकर बना सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये आटा लड्डू की रेसिपी, लिखकर जरूर बताइएगा। बनाने के बाद में फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा।